हेलो एंड वेलकम टू मॉम्स डायरीज। आज मैंने सोल कढ़ी बनाई है। इसे ज़्यादातर मसालेदार खाना खाने के बाद पिया जाता है क्योंकि इससे एसिडिटी नहीं होती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। सोल कढ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ 8-10 फ्रेश कोकम लिए हैं। इसे गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगो के रखें। तब तक हम नारियल का दूध निकाल लेते हैं। मैंने एक फ्रेश नारियल लिया था, उसके मैंने इस तरह छिलका निकाल के बारीक टुकड़े कर लिए हैं। इसे ब्लेंडिंग जार में डालें। इसके साथ हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और जीरा डालें। ये सब आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब इसमें 4 चम्मच शक्कर, 1 चम्मच काला नमक और 1 चम्मच रेगुलर नमक डालें। इसे ब्लेंड करने के लिए गर्म पानी डालें, इससे नारियल का दूध ज़्यादा निकलता है। अब एक पतीले में छन्नी रखें और ब्लेंड किया हुआ नारियल का मिक्सचर डालें और इस तरह चम्मच की हेल्प से दबा दबा कर नारियल का दूध निकालें। आप छन्नी की जगह कपड़ा भी यूज कर सकते हैं। अब वापस इस नारियल को मिक्सी जार में डालें और गर्म पानी डालकर फिर से ब्लेंड करें और वापस सेम प्रोसेस से नारियल का दूध निकालें। इस प्रोसेस को आपको 3-4 बार करना होगा ताकि नारियल में से सारा दूध निकल जाए, लेकिन ध्यान रखें कि नारियल का दूध ज्यादा पतला ना हो। हमारा कोकम अच्छे से भीग चुका है, इस तरह कोकम को निचोड़ लें और इसके पानी को इस तरह छान के नारियल दूध में मिक्स करें। कुछ लोग कलर आने के लिए नारियल ब्लेंड करते समय उसमें बीटरूट का टुकड़ा डालते हैं, बट हमने इसमें कलर आने के लिए कुछ भी नहीं डाला है। ये सोल कढ़ी का बिल्कुल नेचुरल कलर है। अब थोड़ी सी जीरा पाउडर और धनिया ऐड करें। आइस क्यूब डालें क्योंकि ये ठंडा ही अच्छा लगता है और सर्व करें। नॉनवेज या मसालेदार खाना खाने के बाद आप इसे ज़रूर पिए। इससे पाचन अच्छे से होगा और एसिडिटी भी बिल्कुल नहीं होगी। या इसे कभी भी समर ड्रिंक की तरह पिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मॉम्स डायरीज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।